हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 8th की बायोलॉजी। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कुछ प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं और उनको नोटिफाई करके पर्टिकुलर प्लांट या फिर स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तीन अलग अलग तरह के अपन ने प्रोटेक्टेड एरिया देखे थे। एक था बायोस्फीयर रिजर्व, एक था नेशनल पार्क, और एक जो सबसे लास्ट में जो छोटा एरिया होता है उसको बोलते हैं सेंचुरीज। सेंचुरी इन सब में किसी ना किसी स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो आज अपन देखेंगे स्पीसीज क्या होती है। ओके, स्पीसीज का मतलब सेम नेचर और सेम एक तरह से फैमिली से बिलोंग करने वाले एनिमल या फिर प्लांट्स, उसको बोलते हैं स्पीसीज। सेम जीनस होता है उसमें। तो स्पीसीज को भी अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया। जैसे कुछ एपिडेमिक होती है, कुछ एंडेमिक होती है, कुछ इंडेंजर्ड होती है, ऐसे ही कुछ वल्नरेबल होती है। तो क्या क्या मतलब होता है इन नामों का, वही आज अपनी क्लास में सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं स्पीसीज। स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच इज कैपेबल ऑफ नेचुरल इंटरब्रीडिंग। मतलब स्पीसीज एक ऐसा आप बोल सकते हो कि ग्रुप है जिसमें पर्टिकुलर जो जो भी एनिमल या प्लांट होगा वो उस पर्टिकुलर एरिया में अपनी ही स्पीसीज से इंटरब्रीड कर सकता है। मतलब कि किसी और ब्रीड से, मतलब किसी और स्पीसीज से वो ब्रीडिंग नहीं कर सकता। दिस से मीन्स ब्रीडिंग यानी ब्रीडिंग मतलब बेटा पॉपुलेशन का इंक्रीज करना। ब्रीडिंग अच्छा करेंगे तो सर वो पॉपुलेशन खुद इंक्रीज की होगी, तो वो खुद की ही एक तरह से फैमिली या फिर स्पीसीज में इस तरह की प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। दिस मीन दैट द यस मेंबर्स ऑफ द स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ऑन स्पीसीज एंड नॉट विद द मेंबर्स ऑफ द एनी अदर स्पीसीज। ओके, रिप्रोडक्शन के लिए इस तरह की स्पीसीज होती है जो कि अपनी ही फैमिली मेंबर से इस तरह का इंटरब्रीडिंग कर सकती है। अलग जो एनिमल या फिर प्लांट्स है उससे इस तरह का रिप्रोडक्शन नहीं किया जा सकता है, तो इसको बोलते हैं स्पीसीज। जैसे डॉग एक फैमिली है तो डॉग एक स्पीसीज है। ओके, यस यस सर हॉर्स एक स्पीसीज है इस तरह से। तो हॉर्स और सर तो डॉग, यू बंदी है हाँ हाँ ह्यूमन भी एक यू स्पीसीज है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन ह्यूमन से ही हो सकता है, डॉग का रिप्रोडक्शन डॉग से ही हो सकता है, ऐसे हॉर्स का रिप्रोडक्शन हॉर्स से बंदी ही हो सकता है। ओके, नहीं मेंबर्स ऑफ द स्पीसीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एक समान उनमें कुछ लक्षण होंगे। ओके, द स्पीसीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अलग अलग तरह से इनको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एक होता है एंडेमिक। एंडेमिक होता है एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाली स्पीसीज। एक एरिया में फाइंड किए जाए ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में उसको बोलेंगे एंडेमिक। एक होता है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है कि हर जगह पे वो स्पीसीज मौजूद है। यहाँ पे भी है, इंडिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ में पे भी है, भी और कहीं पे भी है। तो इस तरह से ये एपिडेमिक होती है, मतलब हर जगह पे ऑमनी प्रेजेंट आप मिल इसको जाती बोल है सकते हैं। सर जैसे तो काऊ है ना हाँ, काऊ एक एपिडेमिक स्पीसीज आप बोल सकते हैं। ओके, तो हॉर्स ये जो सर दो, हाँ हॉर्स भी एपिडेमिक है। देखो ये दो क्लासिफिकेशन है, ये तो है अपीयरेंस के बेसिस पे, मतलब कहाँ वो मिलते हैं। अगर एक पर्टिकुलर एरिया में मिलेंगे तो उसको बोलेंगे एंडेमिक, और ये हर जगह मिल जाएंगे तो उसको बोलेंगे एपिडेमिक। अभी आपने सुना होगा जब कोरोना फैला था तो कोरोना को WHO ने एपिडेमिक डिक्लेयर किया था। एपिडेमिक का मतलब क्या यस सर होता है कि हर एपिडेमिक जगह पे उसकी प्रेजेंस। मिलने वाला ओके, नेक्स्ट जो आता है सर इसकी क्लासिफिकेशन फुल फॉर्म क्या होती है किसकी, डब्ल्यू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं WHO। नहीं सर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हाँ हाँ, उसका मतलब WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही होता है। देखो ये तो ऑर्गेनाइजेशन है अपीयरेंस के बेसिस पे, अब होता है कि एग्जिस्टेंस के बेसिस पे, मतलब कि वो उनको कितना खतरा है उस हिसाब से अपन देखते हैं। तो जितना उनको डेंजर उसके हिसाब से उनको आप अलग अलग डिफाइन करते हैं। जैसे एक होता है इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब फेसिंग होता है कि डेंजर बहुत ज़्यादा डिजीज खतरे में है, इसको अभी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। उसके बाद होता है वल्नरेबल स्पीसीज, मतलब अभी उनको इतना खतरा नहीं है लेकिन वो खतरे की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब कि उनको आने वाले टाइम में उनको खतरा हो सकता है। रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज का मतलब होता है कि कुछ लिमिटेड पॉपुलेशन उनके भी बची हुई है इसके बाद में, या फिर वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, रेयर होते हैं, मतलब कि और कहीं देखने को नहीं मिलते, और अगर यहाँ से भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो ये कहीं देखने को ही नहीं मिलेंगे। एक होता है थ्रेटन स्पीसीज। थ्रेटन स्पीसीज का मतलब होता है कि जी कोई खतरा जैसे नहीं है जैसे जिसको नहीं, थ्रेटन का मतलब होता है जिसको खतरा है। वल्नरेबल जैसे होता है ना, वैसे थ्रेटन स्पीसीज होती है। ओके, अभी इनका एक एक करके देखते थिएटर हैं। और वर्नरेबल में फिर डिफरेंस ही क्या हुआ अच्छा थ्रेटन और वल्नरेबल में डिफरेंस ये हुआ कि थ्रेटन ज़्यादा डेंजर में होता है और वल्नरेबल कम डेंजर में होता है। ओके, कम ओके सर देखो वन स्पीसीज डिपेंडिंग अपॉन देयर अपीयरेंस। मैंने आपको बताया एपिडेमिक और एंडेमिक क्या क्या होते हैं। एपिडेमिक का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि दोज स्पीसीज विच आर फाउंड नेचुरली एट मोस्ट प्लेसेस आर कोल्ड एपिडेमिक स्पीसीज। एपिडेमिक स्पीसीज जैसे कि यूकेलिप्टस, अकेशिया, नीम, यस ये क्या है कि पर्टिकुलर एरिया में ही आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब नहीं सुनने सॉरी, तो लगेगा मोस्ट प्लेसेस हाँ मोस्ट प्लेसेस का मतलब हर जगह पे देखने को मिलते हैं।
ठीक है, मतलब ये हर जगह पे देखने को मिलते हैं, तो इनको बोलते हैं एपिडेमिक। डॉग्स, लीजर्ड्स, काऊ, ये सारे क्या है, एनिमल्स के एग्जांपल्स हैं जो आपको हर जगह देखने को मिलते हैं, हर कंट्री में लगभग आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं एपिडेमिक। अब होता है एंडेमिक, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया होगा उसी में देखने को मिलेंगे। दो स्पीसीज और प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया, दे आर नॉट नेचुरली फाउंड इन एनीवेयर एल्स। द पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल एंड प्लांट मे बी एंडेमिक टू ए जोन, ए स्टेट और ए कंट्री। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर एरिया मतलब इतने से जगह में देखने को मिले, हो सकता है कि स्टेट में देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि एक कंट्री में ही आपको वो देखने को मिले, जोन के हिसाब मतलब एरिया के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि अपने यहाँ पे गिर नेशनल पार्क है, उसमें आपको लायंस देखने को मिलते हैं, तो लायंस क्या है, अपने इंडिया में लायंस गिर नेशनल पार्क में ही देखने को मिलते हैं नेचुरली, तो उसको क्या बोलेंगे, वो वहां की एक एंडेमिक स्पीसीज है। ओके, लायंस जो है सिर्फ लायंस उसी में मिलते हैं और किसी नेशनल पार्क में नहीं मिलते हैं नेचुरली। हाँ, नेचुरली नहीं देखने को मिलते नो सर, जू में तो देखने को मिलता ही नेचुरली। बेटा मैंने नेचुरली वर्ड का यूज क्यों कर रहा हूँ, जू क्या नेचुरल है? देखो, साल एंड वाइल्ड मैंगो आर द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। मतलब इस तरह के साल और वाइल्ड मैंगो जो है आपको सिर्फ पंचमारी जो बायोस्फीयर रिजर्व है एमपी में, वहीं पे देखने को मिलते हैं, इसलिए ये फ्लोरा की एपिडेमिक सॉरी एंडेमिक स्पीसीज है फ्लोरा की। ऐसे बाइसन, इंडियन जाइंट स्क्वेल्स एंड फ्लाइंग स्क्वेल्स आर एंडेमिक फ्लोरा सॉरी एंडेमिक फोना ऑफ पंचमारी। ये जो पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व है ना, इसमें उड़ने वाली गिलहरी देखने को मिलती है, फ्लाइंग स्क्वेल्स और उड़ने इंडियन वाली जाइंट, गिलहरी सर। हाँ फ्लाइंग इंडियन जाइंट स्क्वेल्स, मतलब इंडियन जाइंट स्क्वेल्स एक गिलहरी की ही एक स्पीसीज है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बाइसन जंगली भैंसा जो होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये क्या है, सिर्फ यहीं पे देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं एंडेमिक फोना। मेरे भाई सर चलो नेक्स्ट देखो, स्पीसीज डिपेंडिंग अपॉन देयर एग्जिस्टेंस, मतलब कि उनको कितना खतरा है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उनको अलग अलग क्लासीफाई करेंगे। देखो, क्लासीफाई करने का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है कि एक लिस्ट जारी करता है, लिस्ट मतलब उसके पास एक डेटा होता है और उस डेटा के हिसाब से वो बताता है कि किसको ज्यादा खतरा है किसको कम खतरा है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN इसका शॉर्ट फॉर्म में आप इसको बोलते हैं। क्या नाम है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN इसका शॉर्ट फॉर्म है। वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी इसको आजकल बोलते हैं, ठीक है। कीप्स एंड पब्लिश डिटेल्ड लिस्ट ऑफ स्पीसीज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, इट रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग कैटेगरीज, अलग अलग लिस्ट जारी करता है। जैसे कि इसने एक लिस्ट बना रखी है, उस लिस्ट को बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। अब इंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में अगर कोई जानवर का नाम आ गया, इसका मतलब उसको हाईली प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। द स्पीसीज विच आर इंडेंजर्ड ऑफ एक्सटेंशन, मतलब खत्म होने वाला है अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो, सच स्पीसीज आर नॉट लाइकली टू सर्वाइव इफ द कैजुअल फैक्टर्स कंटिन्यूज टू ऑपरेट। एग्जाम्पल्स, इंडियन राइनोसिरस, एशियाटिक लाइन्स, क्रोकोडाइल एंड ब्लू वेल। ये क्या है? ये है इंडेजेंट स्पीसीज जिनको इस तरह। तो है ना? अरे बेटा बहुत सारी चीजें तो है, लेकिन अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। जैसे टाइगर जो है, टाइगर भी इंडेजेंट स्पीसीज में आता है। टाइगर 5000 के आसपास अपने इंडिया में है, लेकिन फिर भी उसको इंडेजेंट बोला जाता है। प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत होती है ऐसे एनिमल्स को। ऐसा इंडियन राइनोसेरस है, बहुत सारी पॉपुलेशन है, लेकिन वो पर्टिकुलर एरिया में एपिडेमिक सॉरी वो एंडेमिक है एक पर्टिकुलर एरिया में, इसका मतलब उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो ये हो गए इंडेंजर्ड स्पीसीज। अब आता है नेक्स्ट वल्नरेबल स्पीसीज, मतलब अभी वो इतना खतरा नहीं है कि मतलब अभी जस्ट एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, हाँ लेकिन नियर फ्यूचर वो इस तरह के इंडेंजर्ड हो सकते हैं। तो वल्नरेबल स्पीसीज द स्पीसीज विच आर लाइकली टू मूव इनटू द इंडेंजर्ड कैटेगरी, मतलब कि ऐसे एनिमल्स जो कि अगर कुछ दिन ध्यान नहीं दिया गया उनके ऊपर, तो उनको इंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में डालना पड़ेगा। और इंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब क्या होता है कि कुछ समय बाद में वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं इफ द कैजुअल फैक्टर्स कंटिन्यूज टू ऑपरेट। एग्जाम्पल क्या है? जैसे गोल्डन लंगूर, चिंकारा डियर, ये क्या है? वल्नरेबल, पॉपुलेशन ठीक ठाक है लेकिन ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो ये इंडेंजर्ड हो जाएंगे। इसके बाद में आता है रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज एट प्रेजेंट अकर इन ए स्मॉल नंबर इन द वर्ल्ड। एग्जाम्पल्स, गोल्डन रेट, इंडियन पाइप्ड हॉर्नबिल, क्रेसलेस हिमालयन पोर्क्यूपियन। इसका पता नहीं है ये क्या है, क्रेसलेस हिमालयन पोर्क्यूपियन, आप इसको गूगल करके देखना, ठीक है। ये कुछ स्पीसीज हैं जो कि अभी मतलब लिमिटेड हैं, इनके पॉपुलेशन भी लिमिटेड है और इनके पॉपुलेशन एक लिमिटेड एरिया में ही एक तरह से कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये रेयर स्पीसीज है, मतलब ये और कहीं देखने को नहीं मिलती और ये फ्यूचर में हो सकता है कि ये एक्सटिंक्ट भी हो जाए। तो रेयर स्पीसीज का मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें।
हाँ वल्नरेबल क्या? सर वल्नरेबल भी ऐसा है कि वो अभी है, उनकी अभी इतनी तादाद है कि वो सरवाइव कर सके, लेकिन हाँ इन फ्यूचर वो भी एक्सटिंक्ट हो सकती है अगर उस हाँ पर ध्यान नहीं दिया अगर तो ही। और ये रेयर स्पीसीज है वो भी सेम है। देखो दोनों, आप तीनों में डिफरेंस देखो। ये जो बॉक्स है ये है इंडेंजर्ड स्पीशीज, ये जो बॉक्स है ये है वल्नरेबल, और ये बॉक्स है इसमें है रेयर। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। सबसे ज़्यादा खतरा किसको? इंडेंजर्ड स्पीशीज को सबसे ज़्यादा खतरा, मतलब कि इसकी पॉपुलेशन अभी आप कंट्रोल में कर सकते हैं, इसको बचा सकते हैं अगर आपने ध्यान दिया तो। अगर नहीं ध्यान दिया तो ये तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? वो स्पीसीज खत्म हो गई है, अब वो देखने को नहीं मिलती। तो इंडेंजर्ड सबसे हाईली रिस्क पे होता है। उसके बाद में इस इंडेंजर्ड से कम रिस्क पे कौन होगा? वल्नरेबल जो लिस्ट होगी उसमें, वल्नरेबल मतलब इनकी पॉपुलेशन अभी तो है लेकिन ये अपग्रेड हो सकते हैं किसमें? इंडेंजर्ड स्पीसीज में ये जा सकते हैं, मतलब कि अभी तो ये पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट नहीं होगी लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया तो ये पहले जाएगा इंडेंजर्ड में, और फिर इंडेंजर्ड से क्या हो जाता है? एक्सटिंक्ट। एक्सटेंट। ओके, तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल। रेयर जो स्पीसीज है वो अलग है। रेयर स्पीसीज आप इस तरह से देखो कि ये कोई पर्टिकुलर कोई रिस्क के आधार पर नहीं देखते इनको, इनको देखते हैं कि ये मतलब कि नेचुरली इसमें कुछ ना कुछ अलग एक स्पेसिफिकेशन होता है नेचुरली। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे गोल्डन गोल्डन केट, एक गोल्डन केट होती है, वो क्या होता है कि उसकी पॉपुलेशन लिमिटेड है और वो पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है। और ऐसे नहीं है कि ऐसी गोल्डन केट आपको हर जगह देखने को मिलती है, फिर नेचुरली मतलब आप हर जगह देख सकते हो। कभी केट देखा है क्या जो गोल्डन कलर की हो? नो सर, सिर्फ टीवी में देखा है येलो कलर देखने को मिलता है, व्हाइट कलर देखने को मिलता है, ब्लैक देखने को मिलता है, ग्रे कलर देखने को सर, मिलता है, लेकिन बिल्कुल गोल्डन ब्लैक कलर, वाली देखी, बिल्कुल डार्क हाँ ब्लैक। लेकिन गोल्डन केट जो है नाइस। आपको अक्सर नहीं देखने को मिलती, मतलब ये अपने आप में ही रेयर है। ये मतलब कि अगर है तो ही रेयर है, तो ये पर्टिकुलर एरिया में ही होगी। अगर ऐसा कुछ होगा तो पर्टिकुलर एरिया में होगी तो पॉपुलेशन भी इनकी लिमिटेड होगी। तो ये अलग तरह से है, डेंजर तो है इनको लेकिन सर रेयर इसको स्पीस वही हुई ना जो अभी प्रेजेंट है लेकिन कम अमाउंट में है। बहुत कम अमाउंट में है। मतलब रेयर का मतलब क्या होता है कि हाँ बहुत कम, मतलब कहीं देखने को नहीं मिलता, उसका मतलब क्या होता है? रेयर। सर ओके नेक्स्ट देखो। जैसे हाँ अभी लंपी वायरस चल रहा है तो सर अभी काऊ है ना, तो अभी तो मतलब वल्नरेबल में काऊ है, अगर उसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो वो भी तो वो इंडेंजर्ड एंडेंजर्ड में में आ चली सकती जाएगी। हाँ इनकी पॉपुलेशन अगर इस लंपी वायरस की वजह से बहुत कम हो जाए तो ये किस में चली जाएगी? इंडेंजर्ड में चली जाएगी। ओके हाँ। अब देखो मैंने एक नाम बोल रहा हूँ बार बार में, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसी स्पीसीज जो अब है ही नहीं, खत्म हो गई जो नेचुरली स्पीशीज हो गई। नेचुरली नेचुरली नहीं देखने को मिलती। जू में हो सकता है देखने को मिले, या फिर किसी घर में हो सकता है उसको पाल के रखा हो तो देखने को मिले, लेकिन नेचुरली नहीं देखने को मिलती वो पॉपुलेशन। तो ऐसी स्पीसीज को बोलते हैं डायनासोर एक्सटिंक्ट स्पीसीज। जैसे डायनासोरस है, नहीं देखने को मिलता, था कोई टाइम पे लेकिन अब नहीं है। ऐसे डोडो एक एनिमल है, डोडो, तो ये भी अभी देखने को नहीं मिलता। अब देखो एक और स्पीसी आती है, उसका नाम होता है थ्रेटन स्पीसीज। थ्रेटन का मतलब कि उसको डर तो है लेकिन अभी इतना डर उसको नहीं है। द स्पीसीज विच आर इन एनी वन ऑफ द अबाउ थ्री कैटेगरीज आर कॉल्ड थ्रेटन स्पीसीज। मतलब जो मैंने अभी आपको नाम बताया, कौन कौन से नाम बताए आपको? इंडेंजर्ड, वल्नरेबल वल्नरेबल और एंडेमिक रेयर। इंडेंजर ये तीनों में जिसका नाम आएगा ना वो एक तरह से खुद अपने आप में क्या है? थ्रेटन है, मतलब कहीं ना कहीं तो उसको डर है ना कि खत्म हो जाएगा। अगर रेयर है तो भी डर है उसको खत्म होने का क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में है। वल्नरेबल है तो भी डर है उसको खत्म होने का अगर अभी ध्यान नहीं दिया, और इंडेंजर्ड एंडेंजर है में तो डर उसको ही तो बहुत ही ज्यादा डर डर है खत्म होने का। तो ये तीनों कैटेगरी में जिसका भी नाम आएगा ना वो क्या होगा? थ्रेटन, मतलब उसको डर तो है। स्पाइसेस। ओके तो थ्रेटन स्पीसीज जो होती है वो लगभग सभी लिस्ट में एक तरह से जिनका नाम आता है उसको बोलते हैं थ्रेटन, मतलब कि डर है उनको भी। ओके एक होता है आउट ऑफ डेंजर। अगर कोई, ये सारी स्पीसीज है जिनको डर है, तो अब ऐसी स्पीसीज होगी जिनको कोई डर नहीं है, मतलब अच्छी अच्छी पॉपुलेशन है। जैसे चूहे, चूहे अगर पॉपुलेशन खत्म हो जाए तो, मतलब कम हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे हैं चूहे तो है तो स्पीसीज ही ना ये। जैसे डॉग है, डॉग बहुत सारे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। तो ऐसे जो स्पीसीज जिसको कोई खतरा नहीं है एक्सटिंक्ट होने का उसको क्या बोलते हैं? आउट ऑफ डेंजर। दीज स्पीसीज वर फॉर्मली इंक्लूडेड इन द फर्स्ट थ्री कैटेगरीज बट दे आर नाउ कंसिडर्ड रिलेटिवली सिक्योर बिकॉज इफेक्टिव कंजर्वेशन मेजर्स हैव बीन टेकन और द प्रीवियस थ्रेट्स टू देयर सर्वाइवल हैज बीन रिमूव्ड। देखो आउट ऑफ डेंजर का मतलब आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि पहले ही ऊपर वाले तीनों लिस्ट में था और उसको अभी आपने अच्छा खासा उसको प्रोटेक्ट किया और उस लिस्ट से वो निकल के अब डेंजर से बाहर आ गया। जैसे आपको पता होगा लगभग 1972 के आसपास अपने इंडिया में ठीक है सर। टाइगर की जो पॉपुलेशन थी ना वो अप्रोक्सीमेट 80 टाइगर के आसपास ही बचे थे।
कितने टाइगर? पूरे पूरे इंडिया में। इंडिया में 80 टाइगर के आसपास बचे थे, लेकिन फिर बाद में आया टाइगर प्रोजेक्ट और उससे फिर टाइगर को प्रोटेक्ट किया गया, और आज ये जो पॉपुलेशन है ये वापस से कितने हो गई है, अप्रोक्सीमेट 5,000 से अबाउट। ठीक है, तो अब जो है ये डेंजर से बाहर निकलने के लिए तैयार है। पहले इंडेंजर्ड था, वल्नरेबल होगा पहले ये, फिर वल्नरेबल से आउट ऑफ डेंजर में आएगा। ओके, तो इस तरह से कोई एनिमल जो पहले जिसको खतरा था लेकिन अब उसको प्रोटेक्ट कर लिया, तो अब वो बाहर आ गया उस डेंजर से, उसको बोलते हैं आउट ऑफ डेंजर। आया समझ में? स्पीशीज के नाम और क्या जो कि है ना सर आउट ये ऑफ ऐसे और डेंजर वो जानना चाहती है, एवरेज जैसे लेवल। टाइगर रॉन। ऐसे आप देख सकते हो, कोई अगर ऐसा भी, मेरे को पर्टिकुलर को नाम तो याद नहीं आ रहा, हाँ, लेकिन एक स्पीसीज थी जो पहले डेंजर में थी और अभी वो वल्नरेबल में हो गई। इसमें शायद एक शायद लेपर्ड है, पता नहीं क्या है, शायद हिमालयन हिमालयन लेपर्ड है या फिर हिमालयन ऐसा कुछ है। मतलब मैं आपको देख के बता दूंगा कि इंडेंजर्ड से सर वल्नरेबल हुआ है अभी। इंडेंजर्ड में, हाँ, इंडेंजर्ड में था, अभी उसको वल्नरेबल इंडेंजर्ड बना दिया गया है। मेरे पास लिखा हुआ है, मैं कभी देख के बता दूंगा मैं आपको। देखो, द रीजन वाई विच स्पीसीज आर इंडेंजर्ड इंक्लूड्स, मतलब कि क्यों उसको एक इंडेंजर्ड स्पीसीज बोला जाता है, उसके पीछे रीजन क्या होते हैं। इंक्रीज इन पॉपुलेशन में कंपटीशन मोर सर्वाइव, जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सर्वाइव करने के लिए उनको ज्यादा, सर एक तरह से सर्वाइव नहीं है, सेवर, सीवर्स। हाँ सेवर, मेक कंपटीशन मोर सेवर। देखो, जब कभी पॉपुलेशन बढ़ती है तो उससे जो कंपटीशन जो है वो भी तो ज्यादा बढ़ेगा। इंक्रीज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनका कंपटीशन बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, उनकी पॉपुलेशन एक तरह से डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। जैसे एक पर्टिकुलर एरिया है, इसमें मान के चलो पहले 3 टाइगर रहते थे और अब यहाँ पे रह रहे हैं 10 टाइगर, तो 10 टाइगर आपस में लड़ने लग जाएंगे, और जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, मतलब 10 हो गए, आपस में लड़ेंगे तो फिर बाद में एक दूसरे को मारेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे ये वापस से 8 हो जाए, या हो सकता है 5 हो जाए, या हो सकता है इससे भी कम हो जाए। तो पॉपुलेशन बढ़ने से भी यस कई बार सर, क्या होता है कि नुकसान होता है, तो इसलिए ऐसे जब सिचुएशन होती है तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इनके लिए अलग से जो पॉपुलेशन है इसको अलग अलग जगह पे डिवाइड कर देना चाहिए। कछुए हैं हाँ, खूब सारे हैं अपने यहाँ पे, 4 टाइप के टर्टल्स पाए जाते अपने हैं। देखो, टर्टल्स। हाँ, डिस्ट्रक्शंस ऑफ हैबिटेट, ईच ऑर्गेनिज्म इज वेल अडेप्टेड टू इट्स नेचुरल हैबिटेट, इट मे नॉट अडॉप्ट एंड सर्वाइव व्हेन इट्स हैबिटेट इज डिस्ट्रॉयड। अगर आपने उसका घर खराब कर दिया तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने उसको नया घर बना के दिया है तो उसमें अच्छे से रह पाएगा। जैसे अभी चीता लाया गया, अफ्रीका से लाया गया, ये जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पे सर्वाइव कर लेंगे, हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद वो मर जाए। जैसे 2009 के आसपास जब अपने यहाँ पे 6 चीता लाए गए थे, ऐसे 6 चीता सारे मर गए, कोई नहीं बचा, तो हो सकता है कि उनका हैबिटेट ऐसा हो कि वो उस पर्टिकुलर हैबिटेट में ही सर्वाइव करें, तो क्या ये सर भी मैं एक वापस प्रॉब्लम बताओ, हो मतलब मेरे सकता को नहीं बचा सर। है। इंट्रोडक्शन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ हैबिट वापस बताओ। देखो, डिस्ट्रिक्शन ऑफ हैबिटेट का मतलब होता है आपने एक पर्टिकुलर उसका एरिया था, मतलब उसका घर था, आपने उसको वहां से निकाल के कोई पर्टिकुलर दूसरे एरिया में शिफ्ट कर दिया, तो उसका हैबिटेट चेंज हो गया ना, मतलब घर चेंज हो गया, उसका रहने का जगह चेंज हो गई, तो हो सकता है उसको वो पसंद ही ना आए, या हो सकता है उसमें वो सर्वाइव ही ना करे, तो इससे क्या होगा, उसकी डेथ हो सकती है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया कि पहले क्या था, अपने यहाँ पे 2009 के आसपास 6 चीता लाए गए थे, लेकिन अभी उनमें एक भी नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि उनका हैबिटेट चेंज हुआ था, वो अडॉप्ट नहीं कर पाए उस हैबिटेट को, वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाए। अभी जो अपने यहाँ पे चीता लाए गए हैं, ये कंपल्सरी नहीं है कि वो यहीं पे रह पाएंगे, समय बताएगा, आगे आने वाला टाइम बताएगा कि हाँ वो सर्वाइव करते हैं कि नहीं करते, अडॉप्ट करते हैं कि नहीं करते। ओके, तो यस डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट का मतलब यही होता है कि आपने उसका एक पर्टिकुलर हैबिटेट से निकाल के दूसरे हैबिटेट में आपने उसको ट्रांसफर किया। इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज, बताया था मैंने आपको एलियन स्पीसीज, कि आपने उस एरिया में एक ऐसा ऐसा जानवर या फिर ऐसी स्पीसीज लाके आपने वहां पर इंट्रोड्यूस कर दी कि उससे बाकी जो पहले वहां पर रह रहे थे लोग उनको खतरा हो गया। जैसे एग्जाम्पल बताया था, एक पर्टिकुलर एरिया वहां पर डियर खूब सारे हैं, अब आपने वहां पर क्या कर दिया, टाइगर लाके बसा दिया, अब टाइगर तो क्या करेगा, उनको मारेगा ना, सर, ऐसे, तो उसको बोलते हैं एलियन स्पीसीज। जो बाहर से आती है उस स्पीसीज को बोलते हैं एलियन स्पीसीज। जैसे मान के चलो एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, अब वहाँ पे कोई अलग, कोई बाहर देश से कोई वायरस आ गया, जैसे लंपी वायरस है, लंपी वायरस आ गया, ये क्या है, ये एक एलियन स्पीसीज है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस तरह की जो बाहर से लाई गई जो स्पीसीज होती है, या फिर ऑटोमेटिक आ जाती है ऐसी स्पीसीज कई बार, तो उनको बोलते हैं एलियन स्पीसीज। फॉरेन स्पीसीज में क्राउड आउट और रिप्लेस नेटिव स्पीसीज
देट आर बेनिफिशियल और टू ए हैबिटेट, एक पर्टिकुलर एरिया है उसके ऊपर बाहर से आई हुई स्पीसीज ने अपना कब्जा कर लिया, अपना मतलब कि वहां पे हक जमा लिया। वर्चस्व स्थापित कर दिया। इसका मतलब वहां पे जो पहले लोग रह रहे थे, पहले जो एनिमल्स रह रहे थे, उनका वहां पे पॉपुलेशन कम हो गया, तो इससे क्या होगा, इससे भी अच्छा इनडेंजर्ड जो स्पीसीज है उनकी पॉपुलेशन एक तरह से बढ़ती है, उनकी लिस्ट में पॉपुलेशन बढ़ती है। ऐसे नहीं कि उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है, उनकी लिस्ट में जो नाम है ना वो बढ़ जाते हैं, मतलब कि ऐसे स्पीसीज डेंजर कैटेगरी में आ जाती है और उनको फिर बाद में इनडेंजर्ड कैटेगरी में उसको डाल दिया जाता है। तो ये थी कुछ स्पीसीज के क्लासिफिकेशन। नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या बेटा जो रीड करोगे आप? सर, समझ में तो आ रहा है। हाँ तो बस समझो आप बस, ठीक है, आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है इसलिए मेरे को ही रीड करने दो। तो नहीं दुखता मेरा गला? देखो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, प्रोजेक्ट टाइगर अपने इंडिया में क्या था, 19 टाइम था कौन सा, 1972। उस वक्त अपने यहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेट 80 के आसपास आ गई थी, और इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि बहुत कम पॉपुलेशन होने से, नहीं 80 के आसपास नहीं थी, वह नंबर वो डिक्लाइन टू 1800, 1800 हो गया था बेटा, 80 के आसपास नहीं थी। हाँ, मैं 1972 तभी तो में, पूछती कम। हाँ 1972 में हुआ क्या, अपने यहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन 1800 के आसपास हो गई। अब उससे हुआ क्या कि खतरा हो गया टाइगर की पॉपुलेशन का, एक तरह से एक्सटिंक्ट होने का खतरा, क्योंकि इंडिया पहले देख चुका था चीता की पॉपुलेशन एकदम से वॉश आउट हो गई थी, यहाँ पे चीता नहीं थे। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला उस वक्त चीता की पॉपुलेशन यहाँ पे जीरो थी, तो इंडिया ने उससे सीख के कि हाँ अपने यहाँ पे टाइगर भी एक्सटिंक्ट ना हो जाए, इसलिए उन्होंने चलाया एक प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। इसका मेन मोटो क्या था कि टाइगर को, पर्टिकुलर टाइगर को ही प्रोटेक्ट करना, और इसके लिए अलग अलग कंट्री के अलग अलग, सॉरी कंट्री के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के प्रोटेक्टेड एरिया नोटिफाई किए गए, जिनको नाम दिया गया टाइगर रिजर्व, मतलब पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ टाइगर के ऊपर कंजर्वेशन के लिए ध्यान दिया जाएगा स्पेशल। तो इसका बेनिफिट भी मिला, आज आप देखते हो कि 55,000 के आसपास अपने यहाँ पे टाइगर पहुंच गए हैं, ठीक है। आगे देखो, टाइगर्स आर हंटेड इन इंडिया एंड चाइना एज इट्स बॉडी पार्ट ऑफ इट्स बॉडी पार्ट ए फाउंड ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ यूजेस, इलीगल ट्रेड कोज थ्रेट टू द स्पीसीज ऑफ टाइगर, क्योंकि इसके बहुत सारी चीजें बिकती है, जैसे कि इसकी स्किन, इसके टीथ, बोन्स, हर चीज को काम में ले सकते हैं, इसलिए इसका बार बार में इसको हंट किया जाता है, इलीगली इसको ट्रेड किया जाता है, तो इससे इसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे खत्म हो रही थी। आपको जानकर हैरानी होगी, 1910 के आसपास अपने यहाँ पे इंडिया में पॉपुलेशन थी टाइगर की 40,000, 40,000 से लगभग 60 ईयर्स के अंदर अंदर ये पॉपुलेशन कहाँ तक पहुँच गई, 1800 के आसपास, मतलब कितने लोग, कितने टाइगर को मारा गया होगा उस वक्त, आप देख सकते हैं। देर वॉज ए वॉश डिक्लाइन टू देर पॉपुलेशन इन 1972 व्हेन द नंबर डिक्लाइंस टू 1800। द मेन रीजन फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ द टाइगर्स आर हंटिंग, डिफोरेस्टेशन, टैमिंग ऑफ रिवर्स फॉर ह्यूमन नीड्स, मतलब कि रिवर्स का रास्ता रोक देना या फिर रास्ता मोड़ देना, जिसको बोलते हैं टैमिंग ऑफ रिवर्स। ओके, तो इसकी वजह से क्या हुआ, यस फिर से सर। डेटा चेंज, 1972 में जो पॉपुलेशन जो थी टाइगर की वो ओनली पहुंच गई थी 268, ये डिक्लाइन बताया इसने, ठीक है। इसको आप इस तरह से देखो, वापस से कंफ्यूज कर दिया इसने, मैं भी ये देख रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। वेट ए मिनट, देखो लगभग 1972 के आसपास की बात है, उससे पहले लगभग मान के चलो आप 1970 के आसपास या फिर इससे और भी पहले, जो डिक्लाइन जो था वो हो गया था 18,000 का, मतलब मान के चलो इससे पहले जो पॉपुलेशन होगी वो अप्रोक्सीमेट 2,000 के आसपास होगी। ये डिक्लाइन होके होते 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 1972 में इसकी पॉपुलेशन कितनी बच गई, ओनली 268, ओनली इतने टाइगर जो थे वो अपने इंडिया में बचे थे, 1972 के आसपास की बात है। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, पहले की पॉपुलेशन से घटना उसकी घट जाती है, नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 1972 में ये पॉपुलेशन कितनी रह गई, 268, ओके। इसलिए यस प्रोजेक्ट सर। टाइगर को यहाँ पे लाया गया था, 1800 नहीं थी पॉपुलेशन, डिक्लाइन हुआ था, मतलब इतनी पॉपुलेशन कम हुई थी। देखो टाइगर, टाइगर का जो ये मतलब एनिमल का जो सेंसस है, लगभग 5 से 6 साल के बाद में इनका सेंसस किया जाता है, मतलब इनकी काउंटिंग की जाती है, और उस काउंटिंग का असर ये हुआ कि आपको पता लगा कि इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन कितनी बची है, ओनली 268, डिक्लाइन कितना हुआ, 1800 के आसपास डिक्लाइन हुआ,
इससे प्रीवियस जो सेंसस हुआ था उसमें जो टाइगर की पॉपुलेशन आई थी वो आई थी 2068 के आसपास, 1800 जो था वो डिक्लाइन हो गया, तो अब कितनी पॉपुलेशन बची है, ओनली 268 टाइगर्स। कब की बात कर रहे हैं, 1972। ओके, लुकिंग एट द डिक्लाइन द प्रोजेक्ट टाइगर वॉज इनिशिएटेड, द प्रोजेक्ट वॉज फंडेड बाय द WWF। WWF का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पैसे देती है इंडियन गवर्नमेंट को टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और इसमें सभी पैसे लगभग कौन देती है? वर्ल्ड ये ऑर्गेनाइजेशन WWF जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड फंड डब्ल्यू फॉर नेचर, तो ये क्या करती है अपने इंडिया को पैसे देती है। और इसके पास पैसे कहाँ से आते हैं, विदेशी हाँ इसके पास देते पैसे हैं, कहाँ आते हैं, इसके पास पैसे आते हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें वर्ल्ड फंड देता है। लगभग सभी कंट्रीज कंट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब कि एक तरह से अपना पैसा देते हैं सभी कंट्री, और जहां पे टैक्स जरूरत देता होती है है सबको, थोड़ा सा टैक्स देते हैं। टैक्स नहीं देते कंट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है। हाँ और वही कॉन्ट्रीब्यूशन हाँ तो उसमें क्या टैक्स होता है फिर, देता जहां पे जरूरत होती है ना वहां पे ये पैसा खर्च किया जाता है, ठीक है। आपने एक इनिशिएटिव सुना होगा कि मार्च के आसपास जो लास्ट जो सैटरडे या फ्राइडे होता है, मार्च मंथ में लास्ट फ्राइडे या फिर सैटरडे का, यस सर। उसमें एक एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको बोलते हैं अर्थ आवर। अर्थ आवर के नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है कि शाम के टाइम पे 8 बजे से 9 बजे के बीच में, 8 बजे से 9 बजे के बीच में शाम के टाइम पे लाइट्स जो है, जो जो यूजफुल लाइट नहीं है उसको छोड़ के बाकी जितनी लाइट्स है उनको ऑफ कर दिया जाता है, मतलब कि वहां पे 1 घंटे के लिए बिजली को बचाया जाता है। अर्थ आवर के नाम से ये इनिशिएटिव मतलब है, और ये कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, WWF, यही ऑर्गेनाइजेशन क्यों करवाती है वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में, अपने इंडिया में भी अर्थ आर के नाम से। मार्च मंथ में जो में लास्ट वीक होता है ना उसका, शायद फ्राइडे या फिर सैटरडे, डे मुझे अच्छे से कंफर्म नहीं है अभी, फ्राइडे या फिर सैटरडे लास्ट वीक में, ओके मार्च मंथ में, तो इस तरह का अर्थ आर जो है ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। सॉरी अंडर दिस स्कीम 27 टाइगर रिजर्व हैव बीन सेट अप ऑल ओवर द कंट्री। ईच ऑफ दिस रिजर्व हैज ए कोर एरिया वेयर ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज वर बेन, एंड ओनली ए बफर जोन या फिर बफर एरिया फॉर लोकल यूज ऑफ द फॉरेस्ट वॉज अलाउड एज लॉन्ग एज इट इज नॉट इनडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ। बताया था जब कभी भी कोई ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है ना, तो उसमें 3 तरह के एरिया होते हैं, कोर, बफर और ट्रांजिशन, और बफर और और ट्रांजिशन, ट्रांजिशन ओके। तो इस तरह का टाइगर रिजर्व होता है ना उसमें भी ऐसे ही 3 तरह के अलग अलग एरिया होते हैं। तो उस वक्त ऐसे टाइगर प्रोजेक्ट का स्टार्ट किया गया, टाइगर रिजर्व बनाए गए। वर्तमान में ऐसे टाइगर रिजर्व की जो पॉपुलेशन है मतलब संख्या है वो है 52, नोटिफाइड ऐसे टाइगर रिजर्व हैं 52। ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, मतलब कि अभी इसको 54 के आसपास तो हो गई होगी, लास्ट अपडेट ये था 52 के आसपास अब यहाँ पे टाइगर रिजर्व हैं, ओके। मोस्ट फेमस टाइगर रिजर्व इज द सतपुरा टाइगर रिजर्व विच इज यूनिक इन द सेंस ऑफ दैट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द टाइगर पॉपुलेशन हैज बीन सीन हियर। सतपुरा टाइगर रिजर्व, यहाँ पे एक तरह से पॉपुलेशन जो है एकदम से सडन इंक्रीज हुआ, इसी वजह से इस टाइगर रिजर्व को, एक तरह से फेमस टाइगर रिजर्व है सतपुरा टाइगर रिजर्व, ओके। आपका काम है यस कल मुझे बताओगे कि सतपुरा टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में आता सर। कौन ओके। सा हाँ स्टेट में आता है? टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में आता है? चलो नेक्स्ट देखो, एक आता है रेड डाटा बुक, अभी मैंने आपको बताया था IUCN, IUCN मैंने बताया था ना, अभी इंटरनेशनल यस जो सर, ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंटरनेशनल यूनियन IUC कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ओके। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक रेड डाटा बुक भी लिस्ट, एक रेड डाटा बुक जो है वो भी जारी करती है। रेड डाटा बुक में क्या होता है, ऐसे स्पीसीज होती है कि जिनका आप जो है मतलब ट्रेड नहीं कर सकते। रेड डाटा बुक कंटेन्स लिस्ट ऑफ इनडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, इनडेंजर्ड जो प्लांट और एनिमल स्पीसीज है उसकी लिस्ट जारी करती है रेड डाटा बुक के नाम से, कौन, IUCN। और इसमें आप इसका ट्रेड नहीं कर सकते, अगर किसी का नाम ऐसी रेड डाटा बुक में किसी स्पीसीज का नाम है तो उसका ऐसे आप ट्रेड नहीं कर सकते। द बुक कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर डेंजर टू एक्सटिंक्शन थ्रू आउट द वर्ल्ड, इंक्रीजिंगली कंट्रीज आर डेवलपिंग देयर ओन लिस्ट। देखो रेड डाटा बुक एक तरह से वही लिस्ट है, इंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट है, इसमें ना सिर्फ एनिमल बल्कि प्लांट स्पीसीज भी हो सकती है, और इनका ट्रेड जो है वो अलाउ नहीं होता है, ट्रेड आप नहीं कर सकते इनका, व्यापार नहीं कर सकते इनका। दूसरी चीज, ऐसी लिस्ट जो है वो पर्टिकुलर एक कंट्री स्पेसिफिक नहीं होती है, मतलब पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई भी इंडेंजर्ड स्पीसीज
जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो वो इस लिस्ट में हो सकती है। इसके अलावा कंट्री जो है अपनी अपनी खुद की भी ऐसे अलग अलग लिस्ट जारी करती हैं। हाँ तो सर मैं एक डाउट पूछी थी, वो डाउट ये था कि अभी आपने बताया था कि वल्नरेबल स्पाइसेस, तो ये स्पाइसेस ही खाले होते हैं? यहाँ सर दे नहीं रखा था कि वो एनिमल ही है, तो वो इनडेंजर और वो वल्नरेबल ये प्लांट्स भी हो सकते हैं? हाँ प्लांट्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं। अक्सर एनिमल होते हैं लेकिन प्लांट्स भी हो सकते हैं। ओके तो मैं आपको बता रहा था रेड डाटा बुक के बारे में। तो इसमें ऐसे प्लांट और एनिमल होते हैं जो इंडेजर होते हैं, टोटल पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है और इनका आप ट्रेड नहीं कर सकते। इसी तरह से कंट्री स्पेसिफिक भी कुछ लिस्ट होती है, जैसे अपने यहाँ पे भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऐसी लिस्ट जारी करती है, उसको एनेक्सर बोलते हैं, जैसे एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 ऐसे। तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग लिस्ट होती है। हाँ चलो इसके बाद में आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन जो है ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि माइग्रेट करते हैं पर्टिकुलर सीजन में एक एरिया में, और दूसरे सीजन में दूसरे एरिया में वो रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स का भी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। देखो माइग्रेशन रेफर्स टू मूविंग अवे द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट टू द अदर जियोग्राफिकल एरिया टू ओवरकम द एडवर्स कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट। तो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं लेकिन वहां से वो कुछ समय के लिए बाहर चले जाते हैं, दूसरे एरिया में चले जाते हैं। जैसे हिमालयन जो लेपर्ड है वो कुछ समय के लिए हिमालय को छोड़ के नीचे जो फुट हिल्स वाला इलाका है वहां पे आ जाते हैं, बर्फ ज्यादा गिरने की वजह से हो सकता है, या फिर वहां पे उसको अपना शिकार नहीं मिलता होगा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, सीजन में। तो इसलिए वो वहां से दूसरे एरिया में आ जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं माइग्रेशन। द टाइगर सॉरी द ट्रिगर फॉर द माइग्रेशन मे बी लोकल क्लाइमेट, लोकल अवेबिलिटी ऑफ फूड और द सीजन ऑफ द ईयर। ये कुछ रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से वो माइग्रेट करते हैं। फॉर इंस्टेंस माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरिया एवरी ईयर ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स बिकम वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेलिटी इनहॉस्पिटेबल। इसका मतलब कुछ ऐसे रीजन हो सकते हैं जहाँ पे पर्टिकुलर टाइम में रहने योग्य वो जगह ना बचे, तो वो माइग्रेटरी बर्ड्स क्या करते हैं वहाँ से उठ के कहीं और चले जाते हैं। जैसे अपने यहाँ पे साइबेरियन जो क्रेन है वो रशिया से आता है और यहाँ पे आके अंडे देता है, और फिर यहाँ से फिर बाद में वो अपने बच्चों को बड़ा करके साथ में लेके चला जाता है। तो क्यों? क्योंकि वहां पे उस पर्टिकुलर सीजन में वहां पे कैसे बच्चों को कैसे लेके जाएगा, उड़ा के। तो उसका पीछे पीछे थोड़ी ना करेंगे, हाँ उसका मुंह से तो निकल सकता ना। अरे हाँ वो पीछे पीछे जाते हैं बेटा पीछे। हाँ अपने आप ही हाँ अपने आप ही, ये उनमें उनमें नेचुरली ऐसी चीजें होती हैं कि उनको कोई सिखाने नहीं आता है, अपने आप जाते हैं। हाँ। ठीक है और सर इनहॉस्पिटेबल यानी रहने योग्य ना रहना, रहने योग्य जगह ना मतलब रहना। सर उनकी दशा इतनी गंदी हो जाना कि वो रह ही ना पाए। दशा नहीं क्लाइमेट, क्लाइमेट रहने एक्सट्रीम के योग्य ना कोल्ड, एक्सट्रीम उनको कोल्ड हो गया रहने तो के वहां लिए पे नहीं वो रह नहीं रह पाएंगे, एक्सट्रीम हार्श कोल्ड। क्लाइमेट। हाँ सर समझ गई मैं, ओके नेक्स्ट सुटेबल देखो। कंडीशन ना मिले। द बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू ईच अनदर टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स। मतलब ऐसे बर्ड्स जैसे कि बहुत दूर से आते हैं तो उनको बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल आर्कटिक टर्न, ये एक बर्ड है जो कि आर्कटिक रीजन से आता है और कुछ समय बाद वापस से सर एक आर्कटिक में पहुंच बर्ड है जाता है। ना, हाँ हाँ बर्ड है। भरतपुर वाइल्ड लाइफ जो भरतपुर जो बर्ड सेंचुरी है उसमें भी इस तरह के माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन जो रशिया से आता है, इतनी दूर फ्लाई करते आता है, यहाँ पे अंडे देता है, बच्चों को बड़ा करता है और फिर चला जाता है। मतलब सर वो आता है तो सिर्फ सर जो भी माइग्रेटिक जो बर्ड्स होते हैं सर वो आपकी सही सेंचुरी में रुकते हैं इनके अलग अलग और कहीं स्टॉपेज नहीं होते रहते हैं, सर? इनके अलग अलग स्टॉपेज होते हैं। जैसे कुछ बर्ड्स हैं जो भरतपुर जो बर्ड सेंचुरी है वहां पे रुकते हैं, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो और कोई कंट्री में और कहीं ऐसे जगह पे रुकते होंगे, तो वो उनके जीन में होता है, ये इन्फॉर्मेशन उनके जीन में होता है। ये अलग अलग जैसे जो उनकी पीढ़ियां होती है तो उसमें वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होता रहता सर है ये इंफॉर्मेशन उन्हें किसके अंदर होती है सर? जीन। जीन? अरे डीएनए में जीन होता है ना, डीएनए में जीन जो उनके पेरेंट्स से मिलता है उनको। जैसे आप में जो जीन है कि आपका कलर कैसा होगा, आपके बाल कैसे होंगे, आपका चेहरा कैसे होगा, ये आपके पेरेंट्स से आता है ना, यस तो आपके पेरेंट्स से जो जीन सर मिले हैं वही तो आपके ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे। वैसे ही उनमें भी उनके पेरेंट्स से जो जीन मिलते हैं वो उनको वो रास्ता पता रहता है कि हाँ हमको इधर से ऐसे जाना है। ठीक है कोई सर बताने नहीं आ मैनर्स रहा। सर मैनर्स अरे मैनर्स नहीं, हाँ इन्फॉर्मेशन हाँ मैं होती है, समझ अच्छा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन सर होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है जीन के थ्रू। खानदानी है सर। हाँ खानदानी असर बोल सकते हैं। चलो इसके बाद में देखते हैं रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर इज ऑल्सो प्लांट प्रोडक्ट विच इज प्रिपेयर फ्रॉम द पल्प ऑफ द ट्रंक
ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की जो तना होता है उसके लुगदी से बनता है क्या? पेपर। 17 full grown trees आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 ton ऑफ पेपर। ऐसे 17 बड़े बड़े पेड़ होंगे, उनको काटेंगे तो 1 ton पेपर प्रोड्यूस किया जाएगा। देयर फोर वी शुड सेव द पेपर। पेपर कैन बी सेव्ड बाय रिसाइकलिंग। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 times फॉर यूज। एक पेपर को आप बार बार यूज कर सकते हो, काम में लिया, उसके बाद फिर से लुगदी बना लिया, फिर पेपर बना लिया, फिर लुगदी बना लिया, फिर पेपर बना लिया, ऐसे 7 to 5 times उसको यूज कर सकते हो। पेपर मस्ट बी सेव्ड बिकॉज सेविंग द पेपर ऑल्सो सेव्स द एनर्जी एंड वाटर रिक्वायरमेंट्स फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर ऑल्सो यूटिलाइज द हार्मफुल केमिकल्स विच आर लेटर रिलीज इन द एनवायरमेंट एंड कोज पॉल्यूशन ऑफ द एयर एंड वाटर। पेपर को बनाने के प्रोसेस में भी बहुत सारा पानी और इस तरह के केमिकल यूज होते हैं, तो जिससे वाटर और एयर जो है वो पोल्यूट होती है, और जो ट्रीज हैं वो तो नष्ट होते ही हैं, इसीलिए पेपर को सेव करना चाहिए। अब एक एक करके अपने डाउट पूछो। आश्विन पहले माइक को अनम्यूट करो बेटा। यस सर, ये 1 ton पेपर दे रखा है, 1 ton के अंदर मिनिमम या फिर मैक्सिमम कितने पेपर्स आ जाते होंगे? डिपेंड करता है पेपर के साइज पे सर, मतलब फिर भी ऐसे कितने पेपर्स हो सकते हैं? अरे बेटा ऐसे ऐसे पता नहीं, आप एक काम करना, आप एक कॉपी को जो ना आज तराजू में तोल लेना, उसको मल्टीप्लाई करके 1 ton बना लेना, पेपर का पता लग जाएगा कितना पेपर आता है। सर ऐसे नहीं बताना बेटा कितना पेपर आता है, 1 ton का मतलब 1 ton पेपर आता है। अब आप एक पेपर का वेट करना, उसके बाद में निकाल लेना 1 ton। नहीं तो सर आप इसे बता सकते हैं 5 पेज आते हैं, 10 पेज आते हैं, 11 पेज आते हैं। ऐसे 5 पेज 10 पेज नहीं पता मेरे को, लेकिन 1 ton का मतलब आप मोटा मोटा ऐसे समझ सकते हो। आपकी जो एक बुक आती है जो मैंने आपको प्रिंट करवा के भेजी है, उस बुक्स में से आपको अंदाजा बताता हूँ। कोई भी एक बुक जिसमें एवरेज पेज है, तो एक बुक ऐसी है तो उस एक बुक का जो वेट है अप्रोक्सीमेट लगभग 500 ग्राम के आसपास है, मतलब आधा किलो के आसपास उसका वेट है। अब इसको आपको 1 ton बनाना है, तो 1 ton का मतलब कितना होता है? 1000 kg। ठीक है, इस तरह की लगभग 2000 बुक आपकी जो बुक है ना, उस तरह की लगभग 2000 बुक, उसको प्रोड्यूस करने के लिए 17 एक तरह से फुल साइज के जो ट्री है उनका यूज किया गया। यस सर। चलो इसके बाद में आते हैं रिफोरेस्टेशन। रिफोरेस्टेशन का मतलब होता है वापस से फॉरेस्ट को इंट्रोड्यूस करना। रिफोरेस्टेशन इज द रीस्टॉकिंग एंड रीग्रोइंग और रीप्लांटिंग ऑफ द डेस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली टू बी द सेम स्पीसीज विच आर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। मतलब ऐसे ट्रीज उगाने चाहिए जो उसी फॉरेस्ट में पहले थे और वो अभी नष्ट हो गए, तो ऐसे ही ट्रीज स्पीसीज जो है वो आपको ग्रो करनी चाहिए ऐसे फॉरेस्ट को वापस से रिस्टोर करने के लिए। रिफोरेस्टेशन ऑफ टू टाइप्स, दो तरह से आप इस तरह के रिफोरेस्टेशन करते हैं, एक तो होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब होता है कि उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने उस पर्टिकुलर एरिया को कुछ टाइम के लिए ऐसे छोड़ दिया, ऑटोमेटिकली जो फॉरेस्ट है वो 10 to 15 years के आसपास अपने आप को वापस से रिस्टोर कर लेता है अगर उसको प्रॉपर टाइम मिले तो उसको बोलते हैं नेचुरली। इसमें क्या होता है कि डेस्ट्रॉयड फॉरेस्ट जो है उसको छोड़ दिया जाता है, कोई डिस्टर्बेंस उसमें नहीं आती है फिर बाद में, और उसमें ऑटोमेटिकली ऐसे जो चीजें हैं वो होती रहती है। वेट ए मिनट, ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो सोयल जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स ऑटोमेटिकली वापस से रिस्टोर होंगे, न्यूट्रिएंट्स रिस्टोर होंगे तो फॉरेस्ट के जो ट्री, छोटे छोटे जो ट्री हैं, जो प्लांट्स हैं, उनको वापस से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। वहां पे कोई ग्रेजिंग नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली वापस से बड़े होंगे वो पेड़, और उससे वो फॉरेस्ट जो है वापस से घना हो जाएगा। इसको बोलते हैं नेचुरल प्रोसेस। और एक होता है आर्टिफिशियल, उसमें क्या है ह्यूमन जो है वो जाके पेड़ पौधे लगाए, उनको बड़ा करे, डेली उसकी केयर करे, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिफोरेस्टेशन। ओके, तो इस तरह से फॉरेस्ट को रिस्टोर किया जा सकता है। एक आपने देखा होगा एफोरेस्टेशन भी एक टर्म यूज की जाती है। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है कि प्लांटिंग ऑफ ट्रीज और एरिया दैट वर नॉट कवर विद द फॉरेस्ट। एफोरेस्टेशन और रिफोरेस्टेशन में इतना सा अंतर है। एफोरेस्टेशन क्या होता है, एक नई जगह जहां पे पहले कोई फॉरेस्ट नहीं था और वहां पे आपने ट्री उगाए और उन ट्री को उगा के आपने फॉरेस्ट बना दिया, नई जगह, एकदम नई जगह, तो उसको क्या बोलेंगे? एफोरेस्टेशन। एकदम नई जगह जहां पे पहले फॉरेस्ट नहीं था वहां पे फॉरेस्ट बनाया है आपने, उसको बोलेंगे एफोरेस्टेशन। और जहां पे पहले फॉरेस्ट था और पेड़ काटने की वजह से वहां पे फॉरेस्ट नहीं है, उस जगह पे अगर आपने वापस से फॉरेस्ट बनाया है तो उसको बोलेंगे क्या? रिफोरेस्टेशन। दोनों का मतलब समझ में आया, रिफोरेस्टेशन और एफोरेस्टेशन का? यस सर। ओके यस सर।
देखो तीन ऐसे आर के रूल है जिनको यूज करके आप एनवायरमेंट को कंजर्व कर सकते हो, और वो आर कौन से? 3 R, रिड्यूस, रीयूज और रियूज, रिसाइकिल। कैसे कैसे? रिसाइकल, इनका मतलब, रिड्यूस का मतलब आप जो यूज कर रहे हो उस यूज को ही कम कर दो, कम रीयूज का मतलब आप जिसको यूज कर रहे हो उसको बार बार यूज करो, और रिसाइकिल का मतलब होता है कि यूज करने के बाद में आपने उसको वापस से उसी पहले वाली फॉर्म में पहुंचा दिया, तो उसको बोलते हैं रिसाइकिल। ओके, तो ये 3 R थे जिनका यूज सर। करके अलग अलग तरह से एनवायरमेंट को बचाया जा सकता है। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट योर प्रोड्यूस, इसको बोलते हैं रिड्यूस। रीयूज ओल्ड आइटम्स, जैसे डोनेट टू अनफॉर्चुनेटेड या फिर रिपेयर इफ ब्रोकन, ऐसे जो प्रोडक्ट है वो बार बार में रिपेयर करके आप यूज कर सकते हैं। रिसाइकिल एज मच एज पॉसिबल, बाय रिसाइकिल प्रोडक्ट्स टू सपोर्ट रिसाइकिलिंग। जैसे प्लास्टिक था, प्लास्टिक से रिसाइकिल होके कोई, मान के चलो कोई दूसरा प्रोडक्ट बन के आ गया तो आप उसको यूज करो, तो उसको बोलते हैं रिसाइकिल। बट ओके, सर प्लास्टिक की चीजें तो सर पॉल्यूशन क्रिएट करती है ना। अच्छा वो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है बेटा, ऐसे तो प्लास्टिक पोल्यूशन नहीं करती है, सिंगल यूज प्लास्टिक करती है। कौन सी प्लास्टिक? सिंगल यूज प्लास्टिक जिसका आप एक बार यूज किया और फेंक दिया, जैसे वो वाटर सर बोतल। थर्मोसेटिंग हुआ ना फिर तो वो। देखो थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्ट, ये दो तरह की प्लास्टिक आती है। थर्मोसेटिंग जो होती है उसमें क्या होता है कि एक बार प्रोडक्ट बन गया, एक बार प्रोडक्ट बन गया उसको वापस से आप बना नहीं सकते, एक बार बन गया तो वो बन गया। ये जो ऐसे प्लास्टिक होती है ना, इनका यूज काफी होता है। जैसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आपने देखा होगा कि आपके इलेक्ट्रिक जो स्विच होते हैं वो प्लास्टिक के से बने होते हैं, अगर आप उनका यूज नहीं, अगर प्लास्टिक का यूज बंद कर दोगे तो क्या फिर उसको फिर लोहे से बनाएंगे, और लोहे से बनाएंगे तो फिर इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा अपने को। तो कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको बार बार यूज किया जाता है, जैसे कि वो जो प्लास्टिक स्विच जो है, इलेक्ट्रिसिटी का जो स्विच है, उसको ऐसे तो नहीं है कि आपने एक बार यूज किया और उसके बाद फेंक दिया, कई सालों तक काम में आता है ना वो स्विच। तो ऐसे प्लास्टिक यूजफुल होते हैं जो वो बार बार में यूज आते थर्मोसेटिंग हैं। वाला प्लास्टिक सर बहुत हाँ सालों तक काम आता है। हाँ जो थर्मोप्लास्ट वाले होते हैं ना, उनको रीयूज अगर हो सकता है तो उसको रीयूज करो, और अगर रीयूज नहीं हो रहा है तो उसको फिर बाद में वो डेंजर क्रिएट करता है किसके लिए? एनवायरमेंट के लिए। जैसे वाटर बहुत सारी बोतल है, 500 से 1,000 साल हो गए सर। हाँ डिकम्पोजन जैसे वाटर बोतल है, सर, एक बार जैसे पानी कप्स भी तो सर थर्मोप्लास्ट डिस्पोजेबल। सेटिंग ही है, और हाँ तो वो वो भी एनवायरमेंट एक को, वो वे है। एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। क्यों नुकसान पहुंचाते हैं? जो डिस्पोजेबल जो प्लास्टिक होती है ना, जो कप्स होते हैं, उसको आपने यूज किया और फेंक दिया, अब उसको वापस से उठा के कोई दूसरा वापस से रिसाइकिल थोड़ा करने जाता है उसको, उसको कोई रिसाइकिल नहीं करता, क्योंकि उसमें प्लास्टिक कितना सा लगता है? बहुत ही कम। तो जितना उसमें प्लास्टिक रिसाइकिल करेंगे उससे ज्यादा उसमें कॉस्ट आ जाएगा उसको रिसाइकिल करने के लिए। तो इसलिए क्या होता है, वो एनवायरमेंट में ऐसे फेंक दिया जाता है, और वो जो है डिकम्पोज होने में काफी टाइम लेता है, और काफी टाइम क्या लेता है, वो डिकम्पोज ही नहीं होता कई सालों तक। हाँ सर, फाइव तो उसमें फिर हंड्रेड उसकी वजह टेन से, थाउजेंड ईयर हाँ उसकी वजह से क्या होता है कि मिनिमम। एनवायरमेंट को प्रॉब्लम्स होती है। ओके, अभी देखो इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, जितनी एप्लीकेशन हैं, एप्लीकेशन 1 एंड 2, आई थिंक 3 भी होगी इसमें, 1 2, हाँ 3 है। तो तीनों एक्सरसाइज आपको कल कंप्लीट करके लेके आनी है, ट्राई योर सेल्फ, और ये तीनों एक्सरसाइज में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं कल आपसे पूछूंगा। ठीक है, तो यस बायो यस की क्लास सर, में आज इतना ही है।